बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास सिविल फर्स्ट ईयर। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक इंजीनियरिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन टेक्निक सिविल 113 का चैप्टर नंबर 8 में कास्ट आयरन, रॉट आयरन और माइल्ड स्टील की खसूसियात के बारे में उनमें से कौन कौन सी की खूबियाँ होनी चाहिए इनकी तरफ। सबसे पहले कास्ट आयरन, ये भूरे रंग या सफ़ेद रंग में होता है। इसकी खसूसियात में दानेदार बनावट में ये दानेदार होता है। इसमें भुरभुरापन होता है, भुरभुरापन। इसकी तीसरी खुशियात, इसको सख्त किया जा सकता है। इसको रोल किया जा सकता है। इसमें पांचवी की खूबी के जंग से महफूज होता है, जंग को जंग नहीं लगता, महफूज होता है। इसकी साबते इजाफी, साबते इजाफी 7 या 5 होती है। और इसका नुकता है पिलाव, पिलाव 12 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कास्ट आयरन दानेदार बनावट में, भुरभुरापन, सख्त इसको किया जा सकता है, रोल इसको किया जा सकता है, उसके बाद रंग से महफूज होता है। इसकी कसावट इजाफी 7 या 5 और नुकता पिघलाव 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद अगला रॉट आयरन, रॉट आयरन में कौन कौन सी खूबियाँ पाई जाती हैं, कौन कौन सी खूबियाँ पाई जाती हैं रॉट आयरन। इनसे सरिये, चादरें, पाइप वगैरह बनाए जाते हैं रॉट आयरन, रॉट आयरन से। तो ये इसमें जंग इसको लग जाता है, लगता है। उसके बाद दबाव की खिंचाव में मजबूत होती है, ये दबाव और खिंचाव में मजबूत। तीसरी इसकी खूबी, इसको वेल्ड किया जा सकता है, वेल्ड दूसरी दार के साथ मिला के उसको वेल्ड किया जा सकता है। नंबर 4, इसको सख्त नहीं किया जा सकता, इसके बाद ये लचकदार होती है, लचकदार। इसकी सबसे काफी 7.25 होती है और नुकता पिघलाव, नुकता पिघलाव 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। कास्ट आयरन में
सेवन पॉइंट जो सबसे ज्यादा विकास आ रही थी वो 7.5 थी, यहाँ पर 7.25 है। उत्तर किला उसका 1200 था, यहाँ पर 1500 है। इस दाँत में कौन सी खूबियाँ होती है, जंग लगता है इसमें, दबाव और खिंचाव में मजबूत होती है, वेल्ड किया जा सकता है, उसके बाद सख्त नहीं किया जा सकता इसको, लचकदार होती है। कसाफे साबित 7.25 और नुक्ता किला उसका 1500 डिग्री से ठीक है। उसके बाद माइल्ड स्टील दरवाते हैं, माइल्ड स्टील इससे भी गार्डर बनते हैं, चादर बनती हैं, सरिये पायल बनाए जाते हैं माइल्ड स्टील। इसकी खूबियां कौन सी होती हैं, इसकी खूबियां कौन सी होती हैं कि ये लचकदार है, लचकदार मोड़ा जा सकता है इसको, उसके बाद इसको जंग लगता है, दबाव में खिंचाव में और शियर ज्यादा ताकतवर होती है। उसके बाद खारे पानी का स्ट्रेसर भी होता है, खारे पानी का इसमें असर नहीं होता, इसमें इसका नुकता है कि लाओ ₹1400 होता है, जबकि साफ्ते इजाफी साफ्ते इजाफी इसकी 7.8 लचकदार मोड़ा जा सकता है इसको, जंग लगता है इसको, दबाव खिंचाव और शेयर में ज्यादा ताकतवर होती है, मजबूत होती है, खारे पानी का इसमें असर नहीं होता, नुकता है पिघलाव 1400 डिग्री सेंटीग्रेड और साथ ही साथ ही 7.8 होती है। आज के टॉपिक में हमने कास्ट आयरन, रॉट आयरन और माइल्ड स्टील के बारे में पढ़ा, उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप हमें हमसे रब्ता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ आओ।